चलिए गाइस, तो आज हम लोग जानना चाहेंगे बोर्ड में आने वाले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि फिजिक्स में आपको 100 पे 100% लॉन्ग क्वेश्चन ऑल टू ऑल मिलने वाला है। ठीक है, तो गेस पेपर में बस आप इस क्वेश्चन को अगर तैयार कर लेते हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपका 70 में से 60 नंबर आसानी से आप पॉइंट कर सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वैद्युत विकिरण अच्छी और निश्चित में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्सर हमेशा पूछा जाता है। हर सेट में आप देखेंगे उससे क्वेश्चन आता है। गॉस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के छड़ के निकट या समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। संधारित्र क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र धारिता निकालिए, गोली प्लेट संधारित्र धारिता। इन दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अनुगमन वेग क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन या विशिष्ट चालकता से क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन होता है। किरचॉफ का नियम लिखिए, किरचॉफ का दोनों नियम उसी से रिलेटेड आपको आ जाएगा, ब्रिटिश सेतु के सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए। वैन डेर ग्राफ जनित्र या विभामापी, इन दोनों क्वेश्चन में से इसकी संरचना और क्रिया विधि का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आता है। जैसे बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, ठीक, क्वेश्चन का जो टाइप चेंज हुआ है, इसी की सहायता से किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, और दो समांतर धारावाही चालक हैं उनके बीच में चुंबकीय बल का सूत्र एफ अपन एल इक्वल टू म्यू 0/2 I1 I2 अपन आर करके उसका डेरिवेशन पूछा जाता है। पृथ्वी के भू चुंबकत्व के अवयव नमन कोण है 36 घटक और 2000 घटक उसमें